हेलो फ्रेंड्स, क्लास फोर। क्लास फोर्थ के सभी बच्चे अपनी हिंदी रीडर की बुक निकालिए। क्लास फोर्थ के सभी बच्चे अपने बैग से हिंदी रीडर की बुक निकालिए। आज मैं आपको हिंदी रीडर में पढ़ाऊंगी चैप्टर सेवन लोहे की तराजू। प्यारे बच्चों, इस पाठ में लेखक ने बड़ी ही सुंदरता से कहानी के माध्यम से एक युवक वीरा की चतुराई का वर्णन किया है। इसके द्वारा लेखक ने यह भी बताया है कि मनुष्य को कभी लालच नहीं करना चाहिए। आइए इस चैप्टर की रीडिंग लगाते हैं। वीरा एक व्यापारी का लड़का था। उसका व्यापार ठीक नहीं चला और उसने अपना सारा धन उसमें कमा दिया। अतः उसने किसी दूसरे नगर में जाकर अपना भाग्य आजमाने का निश्चय किया। उसके पास लोहे का एक तराजू था जो उसके पिता ने कभी उसे दिया था। वह अपने पिता के एक व्यापारी मित्र के पास गया और कहा, चाचा जी, मैं दूसरे नगर में जा रहा हूँ, क्या मेरे लौट कर आने तक आप मेरा यह तराजू अपने पास सुरक्षित रख लेंगे? व्यापारी बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अवश्य ही इसे सुरक्षित रखूँगा। अतः वीरा उस तराजू को व्यापारी को सौंपकर दूसरे नगर चला गया। वह कई महीनों के बाद लौट कर आया। उस व्यापारी के यहाँ जाकर उसने कहा, चाचा जी, कृपया मेरा यह तराजू लौटा दीजिए। व्यापारी के मन में अब लालच आ गया और वह उस तराजू को उसे लौटाना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने उससे कहा, बेटा, तुम्हारे तराजू को तो चूहों ने उतर दिया, इसीलिए वह तराजू तो अब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वीरा अब समझ गया और उसने कहा, चाचा जी, आप चिंता न करें, ऐसा तो होता ही रहता है, मैं नदी पर नहाने जा रहा हूँ, कृपया आप अपने देवा को भी मेरे साथ भेज दें, वह जरा मेरे सामान की देखभाल कर लेगा। अतः व्यापारी ने अपने बेटे देवा को वीरा के साथ भेज दिया। वीरा नदी पर गया और वहाँ उसने देवा को एक गुफा में छिपा दिया। अब वह फिर व्यापारी के पास लौट आया। मेरा बेटा देवा कहाँ है? व्यापारी ने पूछा। वीरा ने कहा, अचानक एक बहुत बड़ा पक्षी उसे उठाकर ले गया। क्या कहा? एक बहुत बड़ा पक्षी? व्यापारी चिल्लाया, तुम झूठे हो, क्या कभी पक्षी भी किसी मनुष्य को उठाकर ले जा सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जिस प्रकार एक चूहा लोहे के तराजू को कुतर सकता है, उसी प्रकार पक्षी भी मनुष्य को उठाकर ले जा सकता है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? वीरा ने कहा। व्यापारी का चेहरा शर्म से पीला पड़ गया। उसने कहा, बेटा, मुझे क्षमा करो, मेरे मन में लालच आ गया था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उसने व्यापारी को तराजू लौटा दिया और वीरा ने भी देवा को लाकर व्यापारी को सौंप दिया। तो देखा बच्चों, हमें लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? आइए अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। वीरा किसका लड़का था? राजा का, व्यापारी का, सुनार का, कुम्हार का? तो व्यापारी का लड़का था वीरा। सब बच्चे व्यापारी पर निशान लगाएंगे। दूसरा है, व्यापारी के पास थी क्या? एक गाय, एक घड़ी, एक तराजू, एक कलश। तो व्यापारी के पास, वीरा के पास थी एक तराजू। आगे खोलिए। व्यापारी ने वीरा से कहा कि उसकी तराजू टूट गई, उसकी तराजू चूहे खा गए, उसकी तराजू चोर ले गए, उसने उसे तराजू नहीं दी। तो इसका सही आंसर है, उसकी तराजू चूहे खा गए। अब देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, वीरा कौन था और उसने क्या निश्चय किया? तो इसका आंसर है, वीरा एक व्यापारी का लड़का था। उसने दूसरे नगर में जाकर अपना भाग्य आजमाने का निश्चय किया। दूसरा क्वेश्चन है, वीरा अपने पिता के मित्र के पास क्यों गया? वीरा अपने पिता के मित्र के पास क्यों गया? तो इसका आंसर है, वीरा अपने पिता के मित्र के पास लोहे की तराजू सुरक्षित रखने के लिए गया था। थर्ड क्वेश्चन है, व्यापारी ने ऐसा क्या कहा कि वीरा समझ गया कि वे झूठ बोल रहे हैं? तो इसका आंसर है, व्यापारी ने कहा था कि तुम्हारी तराजू चूहे खा गए, यही सुनकर वीरा समझ गया कि वे झूठ बोल रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन आपका, वीरा ने व्यापारी चाचा को कैसे सबक सिखाया? वीरा ने व्यापारी चाचा से यह कहकर सबक सिखाया कि तुम्हारे लड़के को एक बड़ा पक्षी उठाकर ले गया है। ये थे इसके क्वेश्चन आंसर। अब सही गलत, सही या गलत लिखो। वीरा ने तराजू
राजा को सौंप दी? नहीं, ये गलत है। आप क्या तराजू को सच में चूहों ने कुतर दिया था? नहीं, गलत। थर्ड है, व्यापारी के मन में लालच आ गया था? सही। बीरा ने व्यापारी के बेटे को गुफा में छिपा दिया था? सही। अब है, दिए गए शब्दों को क्रम में लिखकर वाक्य बनाने हैं। नदी जा मैं रहा नहाने पर हूँ, तो इसका होगा मैं नदी पर नहाने जा रहा हूँ। फिर था, एक बीरा था लड़का का व्यापारी, तो इसका होगा बीरा एक व्यापारी का लड़का था। पास था उसके एक तराजू लोहे का, उसके पास एक लोहे का तराजू था। लालच आ मेरे में गया मन, मेरे मन में लालच आ गया था। ठीक है, अब यह वाक्य को निर्देशानुसार बदलने हैं। तुम झूठे हो, वह व्यापारी के पास लौटाया, वह उस तराजू को लौटाना नहीं चाहता था। तो ये ऊपर नीचे करके लिखने हैं, ये क्रमानुसार पाठ में आए इन शब्दों को उनके सही स्थान पर लिखो। जैसे तराजू स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग तो स्त्रीलिंग, नदी स्त्रीलिंग, कुर्सी स्त्रीलिंग। अब बाकी जो बचे ये हैं पुल्लिंग, चेहरा व्यापारी, गुफा तो हुए हमारे पुल्लिंग, तराजू और नदी कुर्सी हुई हमारी, ये क्या हुई स्त्रीलिंग। आज के लिए इतना ही, आपका चैप्टर समाप्त हो गया। धन्यवाद बच्चों। सभी बच्चे क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग अपने घर से करके लाएं नोटबुक में।